हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल जैन है। हम इस वीडियो में सीखेंगे हम किस तरह से एक गोलाकार शेप बना सकते हैं, शेप को किस तरह से उसमें कलर फिल कर सकते हैं, उसको स्ट्रोक किस तरह से बढ़ा सकते हैं, हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल ड्रीम रिकॉर्ड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यू कंपोजिशन तैयार कर लेंगे। इसका आप कंपोजिशन का नेम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसकी विड्थ ले लेते हैं 1920 एंड 180। 10 सेकेंड रखेंगे। बैकग्राउंड कलर वाइट ले लेंगे। ओके क्लिक करेंगे और कंपोजिशन बना लेंगे। शेप टूल में जाएंगे, इलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे और माउस से इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये गोल डिजाइन बन रही है। देखिए, इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जिस तरह से गोलाकार आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, ये डिजाइन्स बन चुकी है। अब इसमें जो रेड कलर आ रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रोक। अगर हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए तो स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नन पर क्लिक कर देंगे, स्ट्रोक गायब हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें इस कलर को चेंज करना है तो फिल पे जाएंगे, इसका कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप रखना चाहते हैं इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये डिजाइन्स बन चुका है। अगर हमें एक परफेक्ट गोलाकार डिजाइन चाहिए तो वो किस तरह से बना सकते हैं, हम शिफ्ट के साथ माउस बटन से क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे तो एक परफेक्ट शेप की तरह ये बनेगा। ठीक है, ये बन चुका है। इसका कलर चेंज करना है तो सेम प्रोसेस जो मैं अभी मैंने बताई थी उस पर क्लिक करेंगे और ब्लैक कलर कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि इस डिजाइन में स्ट्रोक हो वो इस कलर से मैच हो, जो सेकंड वाला इलिप्स अब बनाया था इस कलर से मैच हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। ब्लैक इलिप्स को सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, सॉलिड कलर पर जाएंगे और ये अभी रेड आ रहा है इसको इस कलर में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह से कर सकते हैं देखते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे, कलर पर क्लिक किया, कलर पिक कर लिया, यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसका स्ट्रोक इस कलर से मैच हो गया है, यहाँ से हमने कलर पिकअप कर लिया है। अगर इस स्ट्रोक की साइज कम करनी, इसका पिक्सल्स कम करना है तो यहाँ से इसको कम करेंगे, इसकी मोटाई और गहराई यहाँ से अपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डिजाइंस बन चुका है। अगर हम चाहते हैं कि ये डिजाइन डुप्लीकेट हो तो इसको डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल डी से कॉपी करेंगे, सेलेक्ट किया कंट्रोल डी, ये डिजाइंस कॉपी हो चुका है। ठीक है, अब इसका एंकर पॉइंट यहाँ शो हो रहा है, इसको इस डिजाइंस में सेंटर में लेके आना है तो इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एल्ट होम बटन, तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसका चेक करना है तो इसका राइट साइड में आ रहा है, इसको भी शॉर्टकट की से सेट कर देंगे कंट्रोल अल्ट होम बटन, तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे डिजाइंस बना सकते हैं, जैसे इसमें पॉलीगॉन टूल, ये डिजाइंस आप बना सकते हैं। और भी इसमें डिजाइंस है, इसमें कॉर्नर थोड़े राउंडेड आएंगे, ये डिजाइंस आप बना सकते हैं। अगर आप परफेक्ट चाहते हैं कि चारों तरफ एक ही साइज हो तो शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो ये सेम साइज की डिजाइंस बना देगा शिफ्ट के साथ। इसी तरह से अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइंस बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है
तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।